इकलौता 10 वर्षीय पुत्र कार्तिक था, उसको अचानक से घर के बगल में ही एक सांप जो है डस लेता है, और देखते ही देखते जो है आनन फानन में परिवार के लोग उसे झाड़ फूक के लिए ओझा के पास ले जाते हैं। लेकिन इसी बीच जो है करीब 1 घंटे के दौरान ही जो है वो दम तोड़ देते हैं। आज हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं, बहुत ही दुखद खबर है, बहुत ही जो है ये हैरान और परेशान करने वाली खबर है। आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो में। अभी मौजूद हैं हम सुपौल जिला के लतौना में, और ये वार्ड नंबर 13 है। आप DNY न्यूज़ देख रहे हैं। आइए हम उसी परिजन के घर पे हैं, देख सकते हैं यही घर है। सभी पूरा परिवार जो है शोक में डूबे हुए हैं, इधर भी कई रिश्तेदार लोग भी आए हुए हैं। आइए हम आपको इस घटना के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे कि जब किसी को सांप डसता है तो क्या करना चाहिए, क्या ओझा गुनी के पास जाना चाहिए या उसको सीधे अस्पताल लेकर जाना चाहिए। आइए पूरी सच्चाई क्या है हम जानेंगे। देखिए हमारे सामने में एक वही बेबस और लाचार पिता हैं जिनका एक ही पुत्र थे कार्तिक, 10 साल के जो कार्तिक थे अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि ये घर है इनका, और जस्ट सामने देख रहे होंगे, सामने जरा जूम करके दिखाइएगा, एक जलेबी का पेड़ है, वहाँ नीचे जो है कुछ जलावन वगैरह रखा हुआ है, घास फूस है, वहीं पर वो लड़का जाता है, वो जलेबी खा रहा था वहाँ पर, और उसी दौरान जो है उसको एक विषैला सर्प जो है डस लेता है। और जब वो आकर अपने परिवार में बताते हैं कि हमें एक सर्प जो है डस लिया है, तो परिवार वाले अगल बगल के लोग जो है उसको सीधे हॉस्पिटल नहीं ले जाकर उसको ओझा गुनी के पास ले जाते हैं। आइए हम जानते हैं पूरी सच्चाई। क्या नाम हुआ आपका सर? प्रमोद चौहान। कै गो बाल बच्चा था? 3 ठो। एक ही लड़का था? एक ही लड़का था। कितना साल का था? 10 साल का। क्या कैसे क्या हुआ, कब किस टाइम की घटना है? सुबह 7 बजे, 7:30 बजे कल सुबह। हाँ। यानी शनिवार को। अच्छा। उधर से आता पापा, पापा सब हमको डस लिया। अच्छा। तो हम उसको लिए, मम्मी को बोले, ने पापा को बोले, डायरेक्ट गए ओझा के पास। अच्छा। ओझा वाले बोला कि हमारे बस का नहीं है, आप ले जाओ डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास मेरे पास में पैसा भी नहीं था, सो के उठबे किए थे, आए गाड़ी से भेजे, रास्ते में जाकर दम तोड़ दिया, हम पैसे लेकर जा। अच्छा, पहले कहाँ ले गए? पहले ले गए तो ओझा के पास। ओझा के पास में 1 मिनट भी वो नहीं रुका। अच्छा अच्छा। 2 मिनट का टाइम लिया, 2 मिनट में वो जो है निकल गया, वो बोला निकलो यहाँ से लेकर। लेकिन आपको क्या लगता है कि उनको ओझा के पास ले जाना चाहिए था कि डायरेक्ट हॉस्पिटल ले जाना चाहिए? वहाँ पे दिमाग कोई काम नहीं कर रहा था, दिमाग हलचल हो गया। जो लोग मोबाइल में जो नंबर था किसी को फोन करने वाला, मोबाइल का नंबर हमको सुझाई नहीं दे रहा था। बिल्कुल, देखिए हो भी क्यों नहीं, एक ही बेटा था कार्तिक, और जब इनको पता चला कि उनको सांप डस लिया है तो इनका दिमाग भी काम नहीं कर रहा था, कहाँ ले जाएं, क्या करें। लोग जो सुझाव दे रहे थे, बगल अगल के लोग जो सुझाव दे रहे थे कि ओझा के पास ले जाइए, तो उसको आनन फानन में उठाकर जो है ओझा के पास भी ले गए। लेकिन इतने ही देर में, बहुत ही कम समय में जो है वो, घंटों भी नहीं लगा, 1 घंटे के दरमियान ही, 1 घंटे के अंदर ही जो है वो दम तोड़ देते हैं। ये उनका दादा है, देखिए ये उनका दादा है। और क्या नाम था पोता का? कार्तिक कुमार। कैसा था लड़का? अच्छा था। अच्छा था लड़का। एक ही पोता था? एक ही पोता था। आपको क्या गो बेटा है? हमरा 3 गो है। अच्छा, तो ये प्रमोद जो है सबसे छोटा है? जी हाँ, साथ में ही रहता है। पोता देखभाल करता था? हाँ, कल उठले हम उठ के बैठा रही था तो कर ले बाबू, 1 रुपया लाब तो लाब के, लाब के 1 गिलास पानी लाब के दिलक तो पीनू, तकर बाद में अपन देख सकते हैं। एक बेबस और लाचार जो है दादा कह रहे हैं कि कल भी जो है पानी लाकर दिए पोता, पानी हमने पिया, उसके बाद जो है उसके साथ ये घटना हो जाता है। ये बगल में जो है देखिए दादी भी है उनकी, ये दादी है। पोता केहन रहो, माने रहो? जो कैसे करे थे वो पता रहे, 10 साल के रहे ते अच्छा शांत रह, आपकी कर भी जेल लिखल रहे छे ऊपर वाला के वया है छे, शांत रह, शांत रह। देख सकते हैं पूरा परिवार जो है शोकाकुल में है, बगल अगल के लोग हैं, कई रिश्तेदार भी आए हुए हैं। ये एक चाचा है, इनसे भी हम जानते हैं। चाचा कैसे क्या हुआ कल? कल तो हुआ देखिए, बच्चे यहाँ से गया उधर
पेड़ के लगे वो हम जा कर के बैठ गया था ना। अच्छा, उससे बच्चा उधर से फिर भी जलेबी खा करके लौट रहा था, बच्चे को ना सर्फ पकड़ लिया, सर्फ पकड़ लिया तो जा करके चचा का बोला जी चचा मेरा सर्फ काट लिया। अच्छा, यहाँ काट लिया। अच्छा, बच्चे ने वो बच्चा को लेकर के निकल गया। बाद में किसी का कोई पूछने नहीं लगा जी ये घटना घट गया है। अच्छा, हौली हौली करके कहाँ गया फलाने जगह ये हो गया ये घटना हो गया, पूरा गांव जानकारी हो गया कहाँ पर काटा था यहाँ पर काटा, वहाँ पूरे ग्रामीण ने वो मान का घेर लिया। अच्छा, घेरने के बाद में कुदारी से कोर करके अशरफ को देखा दिया, अशरफ है यही अशरफ है ठीक है, उसको कोई आदमी कहा जे मारो नहीं रहने दो। अच्छा, फिर भी ग्रामीण कहा जे नहीं इसको पकड़ करके बोरा में रखो। सांप लेकिन पकड़ा गया। हाँ सांप पकड़ा गया। कौन सांप था? सांप था अजसर। अच्छा, उसको पकड़ के बोरी में बांध करके लाया यहाँ। विषैला होता है? विषैला होता है सर, बहुत विषैला। अच्छा, होता है वो सांप को लेकर के बच्चे को जहाँ जहाँ लेकर के गया तहाँ था मोटरसाइकिल पर। अच्छा, अच्छा। वो सांप का पकड़ करके कहाँ कहाँ ले गया? वो बुढ़ावे ले गया था सर, बिसारा गहवर में। गहवर में? जी सर। अच्छा, वहाँ भगता यहाँ से फोन किया ये बच्चे के लेकर के आओ। अच्छा, तब तक ले तो बच्चे को घुराते फिराते बच्चा का टाइम हो गया डेट। पहले ले गया था दूसरा ओझा के, ओझा के पास, वहाँ वो झाड़ फूक नहीं किया, गहवर ले गए इधर ले गया तब हॉस्पिटल ले। हाँ, हॉस्पिटल से बच्चा मर गया तो मरल बच्चा भी गया वहाँ बुढ़ावे। अच्छा, वहाँ भी भगता ऐसे रास्ते में था बच्चा, भगता कपाड़ पर हाथ धर लिया जो बच्चा नहीं है मतलब। अच्छा अच्छा, तो पर भी यानी आप लोगों को भी कहीं न कहीं विश्वास था भगता पर भी कि जी सर। हाँ, विश्वास। हॉस्पिटल से लौटने के बाद भी कुछ हो सकता है। हाँ, हो सकता है, इसीलिए हम लोग इतना बोला हो गया जो कहीं कुछ डर लग जाएगा तो बच्चा का बचाने वाले को नहीं दे सकेगा तो भीख मांग करके लाखों रुपया लगेगा तो दे देंगे, बच्चा जी जाना चाहिए। फिर भी बच्चा नहीं वापस आया सर। देखिए हालांकि आज भी 21वीं सदी में भी जो है हमारे गांव घर में समाज में जो है ओझा गुनी के ऊपर लोगों का विश्वास टिका हुआ है, कहीं ना कहीं इसीलिए जो है किसी को अगर सर्प डसता है तो सीधा हॉस्पिटल नहीं ले जाकर वो सबसे पहले ओझा गुनी के पास ले जाता है। लेकिन हम जो है कभी भी ये सलाह नहीं देंगे क्योंकि आज भैया साइंस का जमाना है, हर हॉस्पिटल में जो है हर बीमारी का हर चीज का इलाज उपलब्ध हो चुका है। अगर अभी भी लोगों के मन में यह धारणा है कि किसी को सर्प डस ले और ओझा के पास ले जाने के बाद वो बच जाए तो वो गलत धारणा है। कभी भी ऐसा किसी के साथ होता है तो सीधा उसको देर नहीं करते हुए हॉस्पिटल ले जाइए। और कहीं ना कहीं आज हमें लगता है कि अगर कार्तिक को सीधा देर नहीं करके हॉस्पिटल ले जाया जाता तो शायद आज इस दुनिया में कार्तिक रहता। देखिए तमाम परिजन हैं, महिलाएं हैं, यही घर है, यही घर है। देखिए देखिए यही कार्तिक की माँ है और बेबस लाचार निराश होकर बैठी हुई है। कोई इसको अब आगे का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है क्योंकि एक ही लड़का था, दो लड़की है और एक लड़की भी कह रहा है कि वो जो है गूंगी है। अब इसके जीवन पर किस तरह का पहाड़ टूटा होगा वो आप ही समझ सकते हैं। एक एक लड़का रहे, एक एक लड़का रहे, दो गो लड़की। केना की भए गेले, की करे ले गेल रहे ओते लड़का? बाप काले कान बोरे करे रानी का जो बोल दे दे। अच्छा, शांत रह, शांत रह, शांत रह। क्या सवाल करें, ये कौन लगेंगे? ये दीदी है, देखिए लड़का का दीदी है। आप दीदी? हाँ हाँ, सभी रिश्तेदार आए हुए हैं, लड़का का फुआ लोग आई हुई है, दीदी सब आई हुई है। ये देखिए नानी है यहाँ पे लड़का का। एक गो नेत्र है, बाबू मेरे सेवा के लिए बाबू नहीं समझ ले बाबू, कल मर जाते रह, कल मर जाते रह तो नीक होते रह, कौन भगवान दुर्मत घर लगे जे एना भए गेले। अच्छा शांत रहू, आप धीरज रखू, आप जे लिखल रहे ऊपर वाला के वो भए गेले, की करबे। देख सकते हैं ये नानी है और आपको पता होगा कि जब बच्चे होते हैं ना छोटे से, नानी भी बड़े ही लाड़ प्यार से जो है उसको पाल पोस कर बड़ा करते हैं। एक तरफ जो है जो उनके घर में दादी का जितना महत्व होता है, दादी पाल पोस के बड़ा करती है, उतना ही भागीदारी कहीं ना कहीं नानी की भी होती है। और आज जो है इस दुनिया में वो कार्तिक नहीं है। बाकी इस तरह की घटना पर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। और फिर से हम कहेंगे कि कहीं भी किसी के साथ अगर इस तरह की हादसा होती है, सर्प डस लेता है, तो उसको सीधा हॉस्पिटल ले जाइए, ओझा गुनी के फेर में मत पड़िए। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों में ये समझदारी फैले, लोगों में गाँव समाज में ये खबर जाए और लोग जो है सचेत हो, लोग संभले और जागरूक हो लोग। बाकी आप DNY न्यूज़ देख रहे थे, धन्यवाद। We'll be right back.
Thank you.